हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिवाली सीरीज। एंड टुडे आई विल शो यू द दिवाली शॉपिंग दैट वी डिड यस्टरडे। यस, सो आई थिंक दिवाली साल में एक बार आती है तो हम सब शॉपिंग करते हैं एंड मार्केट्स एंड एवरीवेयर इट्स फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ दियाज, फुल ऑफ कैंडल्स, फुल ऑफ डेकोरेशंस एंड वी ऑल शुड जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर इट। सो यस्टरडे मैं गई थी शॉपिंग करने, आई वेंट टू द लोकल मार्केट ऑल्सो एज वेल एज आई वेंट टू द मॉल्स एज वेल। तो दोनों ही जगह की अपनी अपनी यू नो ब्यूटी होती है। डेफिनेटली व्हेन यू गो टू द लोकल मार्केट बाय सम दियास फ्रॉम देयर, कैंडल्स और जो भी लोकल लोग बनाते हैं अपने हाथों से उन्हें जरूर खरीदो। ऑन द अदर हैंड व्हेन आई वेंट टू मॉल देयर वर सर्टेन सेल्स ऑन द क्लोथिंग, तो इसलिए मैंने थोड़े से कपड़े खरीद लिए गुंताज के, दैट वॉज ऑल्सो एन एडेड बेनिफिट। और वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेशन करके रखी है, तो इस तरीके से आप दोनों ही चीजों का जो फायदा है वो उठा सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आज धनतेरस होगा, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। बट बिफोर शोइंग द हॉल, फटाफट से जाओ और देख के आओ दैट हाउ वाज द मार्केट डेकोरेटेड एंड वेयर डिड वी वेंट और कैसे हमने शॉपिंग की। आपने देख लिया होगा कि हमारे लोकल मार्केट में क्या सामान मिलता है, कैसा मिलता है। एंड आई बिलीव एवरीवेयर सेम यू नो चीजें ही रहती हैं, यू नो डेकोरेशन के लिए दिया एंड कैंडल्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग जो कि दिवाली पे लगता है, दैट इज दीज यू नो मिट्टी के दिया। सो दीज आई गॉट फ्रॉम द वंस जो वहाँ पे यू नो नीचे बैठे होते हैं, जो अपने घर से यू नो हाथों से बना के लेके आते हैं। तो आपको जरूर उनसे परचेज करने चाहिए बिकॉज यू नो दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर, तो उनके लिए भी एक वो होता है ना कि वो स्पेशली ये बना के लेके आते हैं। तो आपको जरूर ये जो मिट्टी के दिए होते हैं वो लेने चाहिए। सो दीज आई गॉट मेनी ऑफ इट। और इसी के साथ आई गॉट वन दिस यू नो बिग दिया। तो सब अपने घरों में लाइक वन जो एक दिया होता है जो पूरी रात जलता रहता है, तो ऐसा एक बड़ा सा दिया हम लोग रखते हैं, फॉर दैट आई गॉट दिस वन। इसी के साथ यू नो LED लाइट्स का बड़ा ट्रेंड है, बट ऑब्वियसली यू नो आप ये बहुत सारी तो नहीं लगा सकते हो, सो जस्ट फॉर फन आई गॉट वन ऑफ इट, मेरे को अच्छी लगी। यू नो जैसे गुंताज है या छोटा बच्चा है रूम में, तो आई थॉट मैं इसे अपने रूम के अंदर रख लूँगी, सो दैट इट्स टोटली सेफ। इसके अंदर एक बल्ब सा लगा हुआ है, आई गॉट जस्ट वन ऑफ इट, दैट इज इट। बाकी तो मैंने दूसरी वाली जो लाइट्स होती हैं वो ऊपर ऊपर लगा ली है, बट नीचे रखने के लिए आई थॉट मैं ये रख सकती हूँ बिकॉज इट इज सेफर व्हेन यू हैव किड्स। मूविंग फ्रॉम हेयर आई गॉट सम कैंडल्स एज वेल, यू नो घर पे लगाने के लिए एंड गुरुद्वारे लगाने के लिए। तो जिस दिन दिवाली होती है यू नो सब लोग जैसे मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहां पे जाके जरूर हम कैंडल्स लगाते हैं। सो फॉर दैट आई गॉट टू बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स एंड दिस वॉज द न्यू थिंग। लास्ट टाइम ऑल्सो आई गॉट दिस वन, इस बार भी मैं लिखी हुई लक्ष्मी जी के पैर है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन्हें अपने दरवाजे से अंदर की तरफ लगाते हो, सो इट इज लाइक अ डिपिक्शन दैट यू नो दैट लक्ष्मी जी इज कमिंग इन साइड योर हाउस ऑन दिवाली। सो दिस इज समथिंग यू नो दैट फैसिनेट्स मी द मोस्ट, सो दैट इज वाई आई गॉट दीज वंस।
आफ्टर दिस आई गॉट दीज फ्लोटिंग कैंडल्स, आई लव फ्लोटिंग कैंडल्स, लेकिन बिकॉज ऑफ गुंताज वो हर चीज में हाथ मारता है, तो ऐसे आप ओपन में यू नो पानी में डाल के नहीं रख सकते हो। अगर ये मैं डालूंगी भी तो आई वुड हैव टू कीप इट यू नो इन द बालकनी और समवेयर, हम उसके एक्सेस में ऐसी चीजें नहीं छोड़ सकते। सो आई जस्ट गॉट दीज मेनी ऑफ इट, उनके पास बड़े पैक भी थे बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इट बिकॉज वो यूजफुल नहीं रहती, सो दैट इज वाई आई गॉट दीज मेनी। गार्लेंड्स परचेज की हैं जहाँ पे बाबा जी की फोटो होती है उन पे यू नो डालने के लिए, तो ऐसे अच्छी लगती है यू नो, अच्छी लग रही थी तो आई जस्ट गॉट टू ऑफ देम। अब ये तो हो गई दिया एंड कैंडल्स की शॉपिंग, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डेकोरेशन में हम क्या लेके आए हैं। आई गॉट दिस वन, तो ये दो पर्पज के हिसाब से मैंने खरीदा, लाइक दिवाली में ऑफकोर्स आप लगा सकते हो लाइक घर के बाहर एंड ऑल दैट, अच्छा लगता है ऐसा यू नो चिकमिक सा, एंड ऑल्सो जैसे क्रिसमस आती है ना तो क्रिसमस ट्री पे भी ये रीयूज हो सकता है, तो मैंने इस परस्पेक्टिव से लिया है। After this, I've got this तोरण for the door. वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तोरण मिल रहे थे, this was the one that caught my eye, मुझे बड़ा सुंदर लगा, so I got this one. और वहाँ पे जाओ ना तो ऐसा लगता है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइसिस कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड ये जो डेकोरेशन है एक बार लग जाती है फिर अगली दिवाली को ही हटती है, तो दिस इज फॉर दिस एंड दिस आई गॉट फॉर माई रूम, ऐसे बड़े से यू नो बड़े बड़े हैंगिंग वाले हैं ये, आई गॉट टू ऑफ देम इन अ पेयर, ये पेयर में थे, तो दिस इज व्हाट आई गॉट। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, आई बिलीव हर जगह पे मिलती हैं। और एक ये छोटा सा झूमर मैंने लिया अपने रूम के लिए, मेरे को बड़ा क्यूट सा लगा, ऐसे छोटा सा है, आप कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हो। और ऐसी जो पीसेज होते हैं ना, ऐसी जो डेकोरेशन होती है वो ऐसे नॉर्मल यू नो टाइम्स में भी लगी रहे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है कि बस दिवाली स्पेशल है, बस ये है कि हमने डेकोरेशन कर ली है रूम में तो दे स्टे इन आर रूम्स। और ये सब डेकोरेशन के बाद आती है द मोस्ट ब्यूटिफुल यू नो हैंगिंग्स जो मैंने खरीदी हैं, दीज आर द वंस, ये क्रिस्टल वाली हैंगिंग्स हैं, ऐसी काफ़ी लंबी नीचे तक जाती हैं, ऐसी हैं ये काफ़ी लंबी है, आप इन्हें कर्टन्स के साथ टांग सकते हो, सबसे एक्चुअली ब्यूटीफुल लगती है कर्टन्स के बीच में, जैसे पार्टीशन आप क्रिएट करते हो ना तो उस पार्टीशन के बीच में आप ऐसी हैंगिंग्स लगा सकते हो। दीज आर द क्रिस्टल वाली हैंगिंग्स हैं, काफ़ी यू नो लंबी है इस तरीके से, और ये काफ़ी हैवी भी है, इफ़ आई से यू दैट इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हैवी है। एंड ये इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसे कहाँ पर लगाऊंगी, प्रॉब्लम मैं सोच रही हूँ कर्टन्स के बीच में कर्टन्स के साथ हैंग करूंगी, दे आर वेरी वेरी प्रिटी एंड यू नो वर्थ इन्वेस्टिंग। तो ऐसी चीज़ें जो है आपके ड्राइंग रूम का एकदम से लुक चेंज कर सकती हैं, एंड दिस इज़ प्रॉबेबली माई फेवरेट अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज। सो एंड में हमने खरीदे बहुत सारे रंगोली के कलर्स जिससे हम बनाएंगे ब्यूटीफुल रंगोलीज ऑन दिवाली। इसके बाद आई वेंट टू मॉल जहाँ पे काफ़ी सारी सेल चल रही थी, सो मैंने गुंताज के लिए कुछ चीज़ें परचेज की। आई गॉट हिम दिस वन कॉटराय वाली जीन, उसके पास ब्लैक कलर नहीं था, सो आई थॉट वाई नॉट, क्योंकि दिवाली की वजह से काफ़ी सेल चल रही थी, तो आई थॉट कि वाई नॉट टू यू नो गेट समथिंग व्हेन यू आर गेटिंग सम परसेंटेज ऑफ, कुछ डिस्काउंट चल रहे थे। सेकेंडली आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल यू नो काइंड ऑफ स्वेटर काइंड ऑफ थिंग, आप बोल सकते हो इससे ठंड रुकेगी, इसके अंदर भी हुडी के अंदर भी फर है और इसके ऊपर ऐसे फर से टेडी बेयर टाइप बना हुआ, मुझे बहुत क्यूट लगा, इट वाज जस्ट कैचिंग माय आई एंड आई गॉट दिस वन। एंड थर्ड पीस आई गॉट दिस हुडी अगेन, राइट दिस इज द वन, एंड शायद मैंने आपको पहले भी बताया था आई लव हुडीज, तो मैं ज़रूर परचेज करती हूँ हुडीज गुंताज के लिए। सो दीज आर द थ्री पीसेज विच आई गॉट फॉर गुंताज, इनके ऊपर कुछ डिस्काउंट था तो मुझे डिस्काउंट पे मिले हैं फ्रॉम पैंटलूंस। उसके बाद आई वेंट टू यू नो स्मार्ट बाजार, वहाँ पर भी काफ़ी सेल चल रही थी और वहाँ पर बेडशीट्स के ऊपर सेल चल रही थी, एंड फ्रॉम दैट सेल आई गॉट थ्री बेडशीट्स आर आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। तो पहली है ये बेडशीट, इट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन एंड वाइट, आपको ऊपर यहाँ से पता चल जाएगा, दिस वॉज द फर्स्ट वन, दिस वॉज द सेकेंड वन इन पिंक कलर, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, लाइक पिंक पिंक का ही यू नो सिमिलर है, एंड द थर्ड वन इज अ डार्कर शेड इस तरीके से, इसमें ब्लू एंड ग्रे का जो है वो कॉम्बिनेशन है। सो दीज आर द थ्री बेडशीट्स दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ फॉर दिस दिवाली एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे सेल पे मिल गई। सो दिस इज ऑल फॉर द शॉपिंग हॉल, एंड आप भी मुझे बताना कि क्या आपने भी शॉपिंग कर ली है यू नो फॉर दिस दिवाली, या अभी जाओगे शॉपिंग करने बिकॉज परसों तो दिवाली है। सो यस, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, आई सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो, बाय बाय।